जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आज हम बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हुए मैच में। जी हाँ दोस्तों, जहां पे आंद्रे रसेल की करामाती धुआंधार पारी और रिंकू सिंह का एक बार फिर से जलवा आपको देखने को मिलता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने आज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की कंप्लीट टीम ग्राउंड पर आ चुकी थी फील्डिंग करने के लिए। तो जब फील्डिंग करने के लिए आई दोस्तों, तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद के सामने केकेआर का जलवा बिखेरने के लिए आ चुके थे दो बल्लेबाज फिलिप्स और सुनील नारायण। ऐसे में दोस्तों, फिलिप्स ने आज बहुत ही जबरदस्त ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 40 गेंदों का सामना करते हुए 54 रन बना दिए, जिसमें कि तीन बड़े बड़े गगनचुंबी छक्के और तीन चौके भी शामिल थे। बारी अभी तक यही समाप्त नहीं होती दोस्तों। सुनील नारायण जिन्होंने आज कुछ खास कमाल नहीं करा और रन आउट हो चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब पूरी की पूरी बारी बची हुई थी वेंकटेश अय्यर और फिलिप्स के ऊपर। तो दोस्तों, वेंकटेश अय्यर ने भी ज्यादा कुछ कमाल ना करते हुए महज 7 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया। फिर उसके बाद में आए दोस्तों श्रेयस अय्यर कप्तान, जो कि बिना खाता खोले अपना विकेट गंवा बैठे थे। अब यहाँ पे पारी थी दोस्तों नीतीश राणा के हाथों में। नीतीश राणा ने 11 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाकर आउट हो चुके, जिसमें महज एक बाउंड्री शामिल थी। लेकिन अभी भी दोस्तों रमनदीप सिंह और यहाँ पे रिंकू सिंह दोस्तों दोनों के दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे। ऐसे में रमनदीप सिंह ने 17 गेंदों का सामना करते हुए 35 रन बनाए, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के और एक चौका शामिल था। वहीं दोस्तों रिंकू सिंह की बात करें, रिंकू सिंह ने आज का पूरा मैच पलट दिया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ये थी कुछ नीतीश राणा की पारी। नीतीश राणा की पारी को समाप्त होते ही दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट होती है रिंकू और आंद्रे का कमाल। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह ने आज 15 गेंदों का सामना किया, जिसमें 3 बाउंड्रीज शामिल है और 23 रन उनके बल्ले से देखने को मिले। लेकिन बारिश समाप्त नहीं होती जब तक आंद्रे रसेल की बाजी देखी नहीं जाती। 25 गेंदों का सामना करते हुए 64 रन बनाए, जिसमें 7 गगनचुंबी छक्के और यही नहीं दोस्तों 3 बड़ी बड़ी बाउंड्रीज इनके बल्ले से देखने को मिली। तो आंद्रे का कमाल देखने के लिए पूरा का पूरा कोलकाता का ईडन गार्डन दोस्तों जगमगा गया है। ऐसे में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह से दोस्तों कोलकाता ने 208 रनों का विशाल टारगेट खड़ा किया, जिसका पीछा करने के लिए आए सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा। शुरुआत बड़ी ही अच्छी दिलाई थी दोस्तों, जहां पे मयंक अग्रवाल ने 21 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन बनाए। ठीक वहीं अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। ठीक वहीं राहुल त्रिपाठी ने भी बहुत ही अच्छी बैटिंग की आज। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और जबरदस्त बैट्समैन अब आने ही वाले थे और वो है कप्तान एडम मरकरम के ठीक बाद दोस्तों यहाँ पे हेनरिक क्लासेन। बताएंगे आपको हेनरिक क्लासेन की आज जबरदस्त इनिंग, जिसके दम पर शायद कहीं ना कहीं दोस्तों एक हारा हुआ मैच सनराइजर्स हैदराबाद जीतने वाली थी और हैदराबाद के हाथों से ये मैच निकलता जा रहा था। ऐसे में हेनरिक क्लासेन ने मात्र 28 गेंदों का सामना करते हुए 63 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिए और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए। दोस्तों आंद्रे रसेल ने आज बहुत जबरदस्त बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की। आंद्रे इज द किंग ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स दोस्तों, लेकिन हेनरिक क्लासेन अपने बैटिंग के पीछे नहीं जा रहे थे। हेनरिक क्लासेन लगातार छक्कों के ऊपर छक्के जड़ते जा रहे थे और हारे हुए मैच को जिताने का खूब प्रयास कर रहे थे। लेकिन उन्हीं के साथ एक और दोस्तों इम्पैक्ट प्लेयर जो बहुत ही जबरदस्त अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी की। हालांकि अंतिम ओवर में दोस्तों यहां पे सनराइजर्स हैदराबाद को जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत थी, 13 रन अंतिम ओवर में नहीं बना सकी सनराइजर्स हैदराबाद और इस मैच को जीते जिताए मैच को सनराइजर्स हैदराबाद ने गवा दिया। इसलिए हेनरिक क्लासेन की ये जबरदस्त इनिंग बिल्कुल तबाही मच गई इस इनिंग्स के ऊपर। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए कि सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रनों की जरूरत थी 3 गेंदों में, लेकिन हार गई इस मुकाबले को।